అభినందన్ ఇప్పుడు యావత్ దేశ ప్రజలకు హీరో అయ్యారు. పాకిస్తాన్ ఆర్మీకి చిక్కి ప్రాణాలతో తిరిగి దేశానికి వచ్చారు. పాక్ ఆర్మీకి ఏ పరిస్థితుల్లో చిక్కారు, అక్కడ అతని అనుభవం ఏంటి, అతని పట్ల ఎలా వ్యవహరించారు అనే అంశాలను ఈ వీడియోలో మీరే చూడండి. So, Wing Commander, yes, sir. What are your views about Pak Army? Captain, I hold the Pak Army in very high regard, and I was just hoping that there would be a Pak Army officer to come to this meeting. Because ultimately, I know that the Pakistani Army is also of soldiers. That is why, Captain, the first question that I asked you was, are you from the regular army? Okay. भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ. मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था. आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया. उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया. इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था. मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की. मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था. उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से. पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया. मुझे और कुछ होने नहीं दिया. फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर मेरी जाँच हुई और मुझे और एड दिया गया. पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है. आई सी पीस इन इट. आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है. जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो. उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं.